अनोखी समझ के सदा जोत इस दी जगाउंदे रहांगे, सदा जोत इस दी जगाउंदे रहांगे। असी आद धर्मी धर्म आद साडा, असी आद धर्मी धर्म आद साडा। सरकार ने हो जो नहीं चले जाना तो उन्होंने दो चार मिनट लिए वो थोड़े मुकाबले हो गए तो उन्होंने सब के बारे दस तो पहला सारे नाथ चंद्र जी जो स्टेज पर आ रहे हैं मैं उन्होंने परिवार बारे कुछ दसना चाहना। इन्होंने ग्रैंड फादर सन सेठ किशन दास, सेठ किशन दास जे ना होंगे तो शायद आज हरिमंडल जलंधर ना होंगे। सेठ किशन दास जी ने उस समय एक बहुत बड़ा योगदान है उन्होंने, वैसे तो उन्होंने परिवार ने बहुत कार्य किए ने, लेकिन जो आज हरिमंडल जलंधर की जमीन खरीदी गई सी तो वो जो पैसे सी वो सेठ किशन दास ने कुछ दान किए सी, कुछ लोन किया सी, लेकिन उन्हें जो लोन भी किया सी वो बाद में नहीं है। तो असी अज सेठ किशन दास जी उन्होंने भी याद करते हैं, आ धर्म के मुढ़ले मैंबर से। हुण मैं मान जो अविनाश चंद्र जी ऑनरेबल उन्होंने बेनती करना कि अज के दिन के दो चार शब्द जरूर करें। अविनाश चंद्र जी मंच उत्ते सुशोभित हीरा जी, मंडेर साहब, रंधावा साहब, साढ़े एन आर आई बजुर्ग भी कह सकते हैं, वीर भी कह सकते हैं, और साढ़े सामने सुशोभित संत समाज साढ़े संत महापुरश आए हुए वक् वक् पिंडा तो दूर दराड़े तो बुद्धिजीवी लोग और आ धर्म मिशन के नाल जुड़े हुए लोग, उन्होंने बजुर्ग इस मिशन में जुड़े हुए वो सारे इतने उपस्थित आप सबू सब तो पहले जय गुरदेव धन गुरदेव जय भीम। बहुत वड्डे हुक्म की जी मैं तारीफ करनी चाहता जो साढ़े एन आर आई भरा जेडे कि बेगमपुरा टाइम्स यूके बैठ के चलाते हैं, कंशी रेडियो चलाते हैं, उन्होंने एक वड्डी सोच रखी कि पंजाब दे विच आ के असी आ धर्म का प्रोग्राम करिए, और उस प्रोग्राम के तहत साढ़े बहुत ही महान रहबर समान बाबू मंगू राम मंगूवालिया जी ने अज उन्हों का जन्मदिन मनाइए, उन्होंने समर्पण करिए अज का यह दिन। बहुत खुशी हुई, मैं भी बाबू मंगू राम मंगूवाले जी नमन करता प्रणाम करना जिन्होंने एडा वड्डा यह उद्यम साढ़े वास्ते उस वेले किया जो सू बोलने का भी अधिकार नहीं। बाबू मंगू राम मंगूवालिया जी को शायद अपने पिछों कुछ घट लोगों ने देखा होगा, सारे ने नहीं देखा, लेकिन मैनू मौका मिलया जो वो गुरु रविदास पत्रकार वेले जी बजुर्ग अवस्था से मैं दो तीन बार उन्होंने परसों मिल के भी आया, और बहुत कुछ विचारों के साडे ये बजुर्ग हुए हैं। इन्होंने इन्हों गदरी बाबे भी कहते, साडे समाज के ये गदरी बाबे थे, और इन्होंने मूवमेंट चलाई बहुत बड़ी मूवमेंट चलाई जिन्होंने आप आ धर्म मूवमेंट कहते, जिसे बारे बहुत ही विस्तार के नाल महेश साहब ने हमने तुम्हें दसाया, मैं उन्होंने गलों को दोबारा दोबारा दिखाना नहीं चाहता कि किस तरह यह मूवमेंट बनी, किस तरह चली, किस तरह इस मूवमेंट के पिछों साढ़े अठ एम एल ए बने, और किस तरह उन्होंने लाहौर असैम्बली में जो गल्लां कीतियां, जो उन्होंने कुर्सी चुकी, ये सारा उन्होंने विस्तार के नाल दस्या। गल ये हैगी प्यारे साथियों भी अज दोबारा आप कह सकते हैं भी इतने पुनर्जन्म होया इस गल का कि असी अज आ धर्म मूवमेंट की दोबारा गल करने वास्ते जन्म आया। मैनू इस गल की बहुत माण और फखर है कि इस मूवमेंट के मेरे दादा जी सेठ किशन दास जी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान है,
जो इन्हें दसिया सानू भी पता कि उन्होंने सेठ क्यों कहा जाता कि सेठ ना उन्होंने अपने आप नहीं उन्होंने लाया अपने गुरु में सेठ कहो जिस वेले ये जगह खरीदनी सी आधर्म मंडल वास्ते जो दफ्तर बनाना सी उस वेले 2200 रुपया उन्होंने उस वेले ये जगह खरीदने वास्ते दिता सी उस वेले 2200 रुपये की बहुत कीमत होंगी जिसे करके उस वेले मंडल की जगह खरीदी गई तो कौम ने गल की इसमें साड़ी कौम का यह सेठ आ गई उस वेले तो उन्होंने सेठ किसान दस किया गया और उन्होंने बहुत सारे अपने जीवन के काम किए गुरु रविदास महाराज जी की यात्रा अज आप लखां लोग पूरे देश में कढ़ते हैं डोबा यात्रा वो उन्होंने देन सी पंजाब की जो उन्होंने शुरू की उस उन्होंने जेल भी कटनी पड़ी शड्यूल्ड कास्ट फैडरेशन पंजाब के प्रधान रहे 1964 जी शड्यूल्ड कास्टा की एजुटेशन हुई उस एजुटेशन के लगभग अपने सारे बजुर्गों ने हिस्सा लिया बहुत व्डा उस वे एजुटेशन की गई थी अपने शड्यूल्ड कास्टा के हकों के लिए तो इन बहुत सारिया इदा दल उस वे समाज में हुई पर अज के जोड़ा सा समाज है वह खून बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है जगह जगह बंडे हुए हैं जगह जगह आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बाबू मंगू राम मंगूवाला जी का सुपना पूरा करना तो सानू एक मंच से इकट्ठे होना पैना है कोई ऐसा समा आवे जल्दी जिद सारे इकट्ठे हो अपना अपना योगदान पाइए योगदान इदा का होना चाहिए भी हर किस्म का योगदान जो कोई पैसे वाला व्यक्ति जो अपने पैसे का पैसा दे जो कोई काम करने वाला व्यक्ति वह काम की हाजत करे जो कोई होर भी काम के पै के मूवमेंट कोई हिस्सेदारी पानी चाहता तो पावे का मूवमेंट कामयाब होती है इस पंजाब के मेरे को दो बार MLA बनने का मौका मिला दो बार मैं छोटा वजीर जिन चीफ पार्लीमेंट सैकटरी कहते बने मैं इस करके गल करनी चाहता कि जी सू शिक्षा मिली अपने बजुर्गों को असी हमेशा अपनी कौम के नाल खड़े हैं कम्यूनिटी नाल खड़े हैं पार्टी किसी विच भी असं काम करिए कि भी जाइए लेकिन साडा जिहड़ा मुंड आ तो साडी कौम है साडी जात आ असी उन्हां तों परे हट के कि रह नहीं सकते चाहे सानूं कुछ भी हो जाए सो इस करके पहलो साहब कांशीराम जी ने 25 साल काम किया उन्होंने सिख्या काम किस तरह अपने लोगों के जिहड़े काम आने हैं काम कराने हैं फिर दादा जी उन्होंने बड़ी प्रेरणा मिली हर गल की किस तरह उन्होंने उस वेले काम अपने चलाए किए और सब तो वड्डी गल जी थोड़ी दसनी चाहता भी बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अंबेडकर पंजाब दे विच एक वारी आए और उन्होंने लियाने वाले मेरे दादा जी से साढ़े घर लाए के गए दो दिन ये 1952 की गल है जो बाबा साहब अंबेडकर पंजाब में आए तो आए क्यों सी क्योंकि मेरे दादा जी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने गल कही कि दुआबे के बहुत सारे नौजवान जिन्हें अपने बजुर्ग से वो बाबा साहब अंबेडकर के इलैक्शन के वास्ते उत्थे उन्होंने मदद करने वास्ते गए थे साडे लोगों के कोल पैसा धेला तो नहीं होंदा सी लेकिन नाल सपोर्ट होण नाल उन्होंने नाल जाके खड़े होण नाल पंजाब के बहुत सारे तो नौजवान भी उस वेले उत्थे उन्होंने मदद करने वास्ते गए थे तो मेरे दादा जी ने यह गल कही थी कि तुम बाबा साहब पंजाब में जाओ एक तो उन्हों का धन्यवाद करो और दूसरा सू लखा लोग पंजाब के तुहाडे दर्शन करना चाहते हैं तुम जो आओगे तो तुहाडे दर्शन लोगों को होंगे और बहुत बड़ा इकट्ठ होया उस वेले 1 लाख बंदे के करीब जो बाबा साहब पंजाब आए तो संबोधन किया उन्होंने अपने लोगों और वड्डी दुविधा यह हुई थी कि कुछ कांग्रेसी परिवार जिड़े कि हमेशा ये कहते रहे कि गांधी साडा लीडर अंबेडकर साडा लीडर नहीं जिन्हों ने जिड़े कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी मगर जहाँ तारा पाइया भी ये साडा लीडर नहीं है उन्होंने ऐलान किया अंबेडकर साहब जी पंजाब जाओगे असं काले झंडे दिखावे उस वेले बाबा साहब अंबेडकर ने मेरे दादा जी ने कहा भी सोच विचार करो भी कितने उत्थे होर काम खराब ना हो तो उन्होंने इस गल की गरंटी दी कि तुम बाबा साहब जो पंजाब आओगे राजा सांसी एयरपोर्ट तो लग के बूटा मंडी तक सड़क के दोनों पासे लखां लोग तुहाडा स्वागत करनगे और तुहाडी सुरक्षा वास्ते मोढ़े नाल मोढ़ा ला के खड़े होंगे तो बाबा साहब ने गल मनी वो पंजाब आए DAV कॉलेज उन्होंने चीज की
पटियाला यूनीवर्सिटी गए, लुधियाना यूनीवर्सिटी गए, इतने बहुत सारे लोगों मिले, संत महापुरुषों मिले और अपनी गल उन्होंने इतने कही। दूसरा जो अधिकार मिले आप 1936 बोलने कॉन्फ्रेंस निर्मल महेश साहब ने गल दसी है कि उदो भी जिहड़ियां तारां लिखियां गईयां साडे दादा जी दा बड़ा वड्डा योगदान सी। उस वेले बाबू अंगू राम जी और साडे दादा जी ने मिल के 1,00,000 तार इतों अंग्रेज गौरमेंट नूं दित्ती सी, जिहदे करके तुहानूं अज इह अधिकार मिले, जिहनां अधिकारां दा तुसीं अज आनंद माण रहे। ये साडे बजुर्गां दी जिहड़ियां कुरबानियां उस वेले दीआं, और उस वेले बहुत सारे परिवार साढ़े इन्ने गरीब सके कि उन्होंने अपने घर का आटा बेच के दो दो तीन अपने बच्चों भुखे रख के तारा कीतिया से ताकि उत्थे साढ़े जी कौम की गल आई उसे ब्रिटिश गौरमेंट तक पहुँच सके। तो ये कुरबानिया करने वाले अज लीडर साढ़े को है नहीं है, इस करके अज ये बड़ा अच्छा उद्यम है। साड़ी बहुत ही सत्कारयोग वीर जोड़े बाहरों यूके तो आए हैं जिन्होंने उद्यम किया, अपन सारे इकट्ठा किया और इकट्ठा ही नहीं किया, अपन इन्होंने बहुत अच्छे विचार दसिया कि आह धर्म मूवमेंट के लिए जिन्हों बजुर्गों ने इन्हों ने ना लाए सामने तो ना अज तक पता ही नहीं है बहुत सारे। सो मैं मेरे साहब को कहता से भी तुम जिनी स्पीच इतने की स्पीच की 30-40 पन्न की छोटी जी किताब बनाओ, वो सारे बजुर्गों के ना लिखो जिन्होंने लाए जिन्होंने इस मूवमेंट के हिस्सा लिया, ताकि साडे आने वाले पीढ़ी में साडे बच्चों को भी पता लग सके कि ये साडे बजुर्गों ने इस मूवमेंट चलाने एडा वड्डा उद्यम उस वेले किया जो सानू बोलन का भी अधिकार नहीं। तो बड़ा अच्छा उद्यम है, बड़ा अच्छा इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। दूर दूर तो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग भी बैठे हैं, उन्होंने पता है अच्छे अच्छे मैगजीन चलाने वाले साडे लोग बैठे है, और तुम बड़ी दूर दूर तो आए हैं, मोहाली तो चंडीगढ़ तो हरियाणे तो मैं दसिया गया कि दूर दूर तो साढ़े इतने आए हैं, उन्होंने तो साढ़े मूहे विचार रखने हैं, उन्होंने विचार सुनो। असी तो चलो पोलीटिकली गल आप इतने कर नहीं सकते, थोड़ा बहुत पोलीटिकली घूम फिर के अपना जोड़ा है कौम का जो भी काम हों करवाईदा। एक बहुत वही गल तुम मैं दसनी चाहता जी, मैं जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एक वजीफा हों गरीब बच्चों के पढ़ने वाला, जो बाबा साहब हमेशा कहते थे कि अपने कौम को पढ़ाई की जरूरत है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिड़ी कोई आदमी किसी को खो नहीं सकता, किसी की जायदाद होगी, किसी की गड्डी होगी, कोठी होगी, वो खो ली जाती है कानूनों या गैर कानूनी ढंग में, पर पढ़ाई तो किसी को खो नहीं सकता। उस पढ़ाई में पंजाब के अंदर कि लोगों वास्ते पढ़ाई थी, मजदूरों के बच्चे, मालिया के बच्चे, जो मिस्त्रियों के बच्चे, जिन्होंने कोल बच्चों के कोल पढ़ने वास्ते पैसा नहीं सी, वो साडे सेंट्रल गवर्नमेंट के एक स्कीम आई थी कि जोड़े बच्चे ने 10वीं क्लास तो बाद कोई डिग्री कोई डिप्लोमा करना वो जो पैसे है गवर्नमेंट वालों दिते जाए। तो उस मूवमेंट के सू जान के बहुत खुशी होगी कि 3,000 बच्चा उस वेले से जो स्टाइपेंड लेता सी, और असी इन 5-7 सालों के अब तक सत्ता जो है उन्होंने 3,00,000 बच्चों तक पहुँचाया, 3,00,000 बच्चे ने वो वजीफा लैके उस वे उन्होंने पढ़ाई की और उन्होंने डिग्रियां लिया मुफ्त, कोई पैसा नहीं लगन दिता। सो इदा के होर बहुत सारे काम समाज वास्ते किए, समाज वास्ते ही हमेशा खड़े हैं, किसी पार्टी चले जाइए कितने होर चले जाइए जिते कम्यूनिटी, क्योंकि गुड़ की इदा दी है साढ़े खून के लिए गल है, जिते साडे दादा जी ने इन्नी कुरबानी की, बाबू मंगू राम जी मंगू वाले ने इन कुरबानियां की, उन्होंने जोड़ा सानू उन्होंने सानू प्रेरणा दी है, उस तो असं कभी भी पिछे नहीं हट सकते। जिनी देर सियासत रवे सियासत का काम करा उन्नी देर अपनी कौम का गल की करनी है, कौम का काम की करनी चाहिए, ये कोई भी सू कुरबानी करनी पवे। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहता पाया क्योंकि बहुत सारे बुलाया ने होर भी गलबात अपनी करनी है। आपका बहुत बहुत लख लख धनवाद है, तुम दूर दूर तो आए हैं और आज धर्म प्यार करने वाले तुम लोग हैं और बहुत अच्छे तुम सारे लोग हैं, विशेष तौर पर श्री दविंदर कौतम जी बैठे जेडे इस गुरद्वारा साहब के प्रधान है, उन्हों का भी धनवाद करता। मैं हमने दसते थे कि सुनीता जी अज्ज सू 1,00,000 रुपये दर्चियां इन लोगों ने सू पैसे दिते आ मंदिर की डिवेलपमेंट वास्ते, ये लोग सू एन आर आई भरा सू हर वे पैसा भेजते रहते हैं और उस पैसे के नाल असं अज इतने तुम बैठे हैं। आओ संत महापुरुष आया जी, बहुत बहुत बड़ा स्वागत महाराज जी, आओ जरूर बैठो आसन लाओ अपना। तो उन्हों का सारे वीर का जो
ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਔਰ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਗੇ। ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਧਨਾਥ ਚੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।